हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में बोट कंपनी का नेक बैंड आया है। इसमें हम देखते हैं तो छोटे वाले के अंदर साउंड आ रही है और ये जो बड़ा वाला लेग है, तार है, इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो ये कहाँ से ज़्यादातर ख़राब होता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि तार यहाँ से कम ही ख़राब होता है, जो तार आपका डैमेज होगा वो तार अंदर से डैमेज होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मूवमेंट होता है तो इसके कारण ये इनसाइड से डैमेज हो जाता है। तो इसको हमें खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये डैमेज होगा। जितना पतला हो सके पेपर ले लीजिए आप स्टील का, और इसको आपको इन करना है। बस, और यहाँ पे आपने इनसाइड करा और इसको आपने खोल लिया। और अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये दो तार आगे इस छोटी सी पीसीबी से जुड़े हुए हैं, जो कि आगे होते हुए इस बोर्ड में आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना क्या है कि तार यहीं से क्रेक होता है, तो इसके लिए आपको क्या इसको खींच के देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से ब्रेक है तो फिर इसको अपन यहाँ से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए करना है ये है कि आपको इसको ओपन करना, खींचना है। थोड़ा और खींचते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ दोस्तों यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे ये तार ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे कट लग चुका है। एक वाले में तो पूरा लग चुका है और सेकंड वाले में, ब्लू वाले में कम है, और जो माइनस है उसमें तो 100% ये कट लग चुका है, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको आपको जहाँ पे ये कट लगा हुआ है उसको आप कट कर दीजिए कैंची से। और रहा ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को अपन साबुती निकालते हैं। साबुत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आयरन की मदद से इस पर एक हल्का सा कट लगा देते हैं। और वायर ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इन दोनों वायरों को हमें दोस्तों सोल्डर लगाना है, और सोल्डर लगाने के बाद में हमें ये चेक करना है कि इस पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, या जो लाइट वाला मीटर आता है उससे हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी या लाइट जलनी चाहिए, तभी आगे का सर्किट पूरा बनेगा इसका स्पीकर का। तो यहाँ पे हमने दोनों तार को सोल्डर लगा दिया है। होता क्या दोस्तों, जैसे इसको मैं साइड करता हूँ, ये वाली जो चीज़ है अंदर स्पीकर है, स्पीकर में कोयल बनी हुई है जो कि तार। तो दोस्तों होता क्या है कि अंदर स्पीकर होता है जो कि कोयल के द्वारा कनेक्टेड होता है, और आगे ये होता हुआ वायर यहाँ आता है। यदि यहाँ से सप्लाई जाएगी तो घूमती हुई वापस दूसरे हिस्से पे आ जाएगी। तो हम ये लाइट वाला मीटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट बता देगा सर्किट हमारा बिल्कुल सही है या नहीं। जैसे एक ही नेटवर्क का तार है, ये मैंने लिया, एक तार मैंने यहाँ जोड़ा और एक तार यहाँ जोड़ा, तो यहाँ से लगा कर यहाँ तक की वायरिंग ओके थी, तभी ये लाइट जल चुकी है इसकी रेड। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने का तरीका, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं सेकंड पे, यहाँ पे देखो तो साउंड भी आ रही है और लाइट भी जल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्पीकर अब ओके है। ये वायरिंग ही डैमेज थी जिसके कारण ये साउंड आगे दूसरे वाले ईयरबड में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। जब भी कोई नेक बैंड आए राइट या लेफ्ट वाला ख़राब होता है तो आपको इनसाइड से खोलना है। खोलने के बाद यहाँ से आपको वायर निकालना है, निकालने के बाद में देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा वायर कटा हुआ है। कोई भी ये कटा हो तो भी हमें पूरे ही इसको हेड को अलग करना है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको कट करके जो इसके अंदर का जो
हिस्सा है इसको हमें अलग करना है, इस वाले हिस्से को हम इसको चिमटी की मदद से निकाल देंगे और ये वाला हिस्सा वापस इसके अंदर डालते हुए इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा एक बेड तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।